ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला, दो वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक लाइसेंसी बंदूक भी पुलिस को मिली है। मामा के लड़के का विवाद था, मेरा कोई विवाद नहीं था, ना मुझे इस बारे में कोई पता था। मैं तो अपनी साइड पर जा रहा था, तब मेरे बड़े भाई का भी वहीं मौजूद था। तब इसने पता नहीं क्यों मेरे बड़े भाई से गाली गलौज देना चालू करी। गाड़ी में से उतरा, उतरने का इनका धक्का मुक्की हुई है, तब जाके मैं बीच बचाव में गया हूँ। बीच बचाव में जाने के बाद इसने जाके सीधे अपनी गाड़ी में से 315 बंदूक निकाल के सीधे मेरे भाई पे फायर करी है इसने। तब मैंने इसकी बंदूक पकड़ के इसको पीछे घसीटने की कोशिश करी, इसने वापस से लोड करके मेरी तरफ चलाने की कोशिश करी, तब मैंने पकड़ा। तब इसने लेके, अब इसके साथ कई लोग थे, तलवार दी है या बंदूक का बट दिया मुझे पता नहीं, मेरे पूरे 4-5 टाके आए सिर में और मार के, और ये लोग धमकी दे के गए हैं कि मेरे पिताजी का भी वहाँ पहुँचना हो गया था, तो धमकी दे के गए हैं कि अब हम मतलब अच्छे से लड़ाई करेंगे। अब 7 नंबर पे सूचना आई है, पुलिस को मिली है सूचना कि कुछ फायर हुए हैं। बाद में पता चला है कि गुर्जर परिवार हैं जो दूर दूर के थोड़ा आपस में रिश्तेदार हैं, किसी बात पे से उन लोगों का विवाद हुआ है। उस बात पे से अभी तक तो सामने एक ही तरफ से फायरिंग का आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दोनों दूसरे फायरिंग करी है, पता लगा रहे हैं। विवाद का कारण तो जरा सामने आ जाए थोड़ा। एक घायल है जो जिनके सिर में डंडा लगा हुआ है, वो अभी थोड़ा उनको मेडिकल के लिए भेजा हुआ है, पुष्पेंद्र गुर्जर।